Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning, my dear student. So today let's start lesson 4, Shabd Vichar. Shabd Vichar. शब्द विचार किसे कहते हैं? व्याकरण के जिस भाग में जिस प्रकार शब्दों के प्रकार, रूपांतर, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। अब आप जानिए कि शब्द क्या होता है। सार्थक होने पर ना आदि एकाक्षर भी श्रेणी में आ जाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि शब्द को समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका देखिए पिक्चर्स में बना हुआ है कमल और एक तरफ बादल। अगर हम कमल लिखते हैं तो क में का है, मा है, ला है, लेकिन कोई भी एक अक्षर अकेला पूर्ण नहीं होता, उसमें आ की मात्रा अनिवार्य होती है। इसी तरह से बादल है, तो बादल में बा में तो बड़े आ की मात्रा लगी है, अन्य शब्दों में कोई मात्रा नहीं, लेकिन उसके लिए हमें क्या प्रयोग में लाना है? आ। और यही हमारे समझ में आएगा, इसका एक अर्थ बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको गलत तरीके से बनते हैं तो ये बन जाएगा मलक और लदबा, जिसका कोई भी अर्थ नहीं आता। अब आते हैं, भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे किताब, घोड़ा, घर, मिठाई आदि। इन शब्दों को स्वतंत्र सत्ता, भाषा की शक्ति, उनकी शब्द योजना, शब्द समता पर आधारित होती है। शब्द और पद में अंतर क्या होता है? अब आप जानेंगे शब्द क्या होता है और पद। शब्द आपने पढ़ा, लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वो पद कहलाता है। पद के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोई ना कोई शब्द व्याकरणीकरण का प्रकार होता है और वाक्य में अन्य पदों के साथ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, धोबी ने गधे को मारा, वाक्य में धोबी और गधा दोनों संज्ञा शब्द है, किंतु व्याकरण प्रकार से दृष्टि में धोबी करता है और गधा कर्म का कार्य कर रहा है। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो, जिनके अखंडों का कोई अर्थ ना हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे फल, पेड़, थैला। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के बने मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे बैलगाड़ी, पाठशाला। तो बैलगाड़ी बैल और गाड़ी से बना, अश्वरोही अश्व और आरोही से बना, पुस्तकालय पुस्तक और आलय से। इन शब्दों के खंडों के स्वतंत्र अर्थ है, अर्थात ये यौगिक शब्द है। योगरूढ़ शब्द जो शब्द बनावट की दृष्टि यौगिक, अर्थात दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने, किंतु उनका सामान्य अर्थ छोड़ के किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे श्वेतांबरा, नीलकंठ, चार पाई, गिरधर, लंबोदर, दसानन। उत्पत्ति के आधार पर बने शब्द, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों कहाँ से आया, किस भाषा से प्रचलित हुआ, हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से आए, कुछ संस्कृत के शब्दों से बने, अतः अन्य भाषाओं से आए। इस प्रकार से ये शब्द पांच प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम, तत् हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के लिए गए, वह तत्सम शब्द कहलाए, जैसे स्वप्न, ज्येष्ठ, क्षीर, रात्रि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें किसी हिंदी की प्रकृति के अनुसार अनुरूप को बदलकर ग्रहण किया गया, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे राजा, दूध, खीर, सपना, काक आदि। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं से बदलकर हिंदी में आए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लकड़ी, खिड़की, खुरपा, छोरा, खार। विदेशी शब्द वे शब्द विदेशी भाषाओं में हिंदी में आ गए, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी से आया स्कूटर, स्टेशन आदि। फारसी से आया जमींदार, दुकान आदि। अरबी से आया औलाद, औरत, अल्लाह आदि। तुर्की से आया तोप, तमाशा, चाकू आदि। पुर्तगाली से अलमारी, कमरा, साबुन आदि। चीनी से आया चाय, लीची आदि। और इन्हीं सब भाषाओं से अन्य शब्द भी आए हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे सजावट कक्ष। अब सजावट कक्ष में दो शब्द हैं, एक पहला सजावट, दूसरा कक्ष, जो कि सजावट है हिंदी का और संस्कृत का है कक्ष, तो इसे संकर शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद आपके पांच प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, घर, पेड़ आदि। अनेकार्थक शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हार, फल, उत्तर, आम आदि। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ समानता हो, अर्थात समानार्थी और पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल का पंकज, सरसर, वारिस, अरविंद। ये सब एक ही हैं। आँख का नेत्र, नयन, लोचन, ये सारे एक ही शब्द के कई पर्याय हैं। विपर्यार्थी विलोम शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपर्यार्थी और विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुख का सुख, सरल का कठिन, धनी का निर्धन। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, शब्द भेद प्रयोग के आधार पर
वो पद बनता है ना कोई व्याकरणिक प्रकार करने लगता है। इस आधार पर शब्द पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कौन से? जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयावितर। तो बच्चों आज आपका चैप्टर यहीं से समाप्त हुआ। धन्यवाद।